क्या आपके चावला जो बगल में छुरा खोप के बैठा है, जो AK-47 लेके कहता है कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे, हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की? चलना है तो ईमानदारी से चलिए ना। दे दिया जवाब, दे दिया जवाब, दे दिया। आप दाएं बाएं देखिए कि अगली लाइन क्या बोलनी है। एक सिख ने ही बैठकर जवाब दिया और मुंह पर जवाब दिया, हिंदुस्तानियों के लिए उनके देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान द्वारा सामने लाए वीडियो को गौर से देखिएगा। 4 मिनट का वीडियो, लेकिन 3 मिनट 30 सेकंड पर जो बात सामने आई उससे पाकिस्तान की पोल खोल हो चुकी है। जी हां, करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से ठीक पहले पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर एक वीडियो जारी किया, सिख श्रद्धालुओं के लिए दरिया दिली की आड़ में। पाकिस्तान दरअसल एक बार फिर अपनी साजिशों का जाल बिछाकर भारत में आतंक की बिसात बिछाना चाहता है। वीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाला, मेजर जनरल शाबेक सिंह और अमरीक सिंह खालसा भी दिखाई दे रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। MS बिट्टा साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ आए, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ उमर अल्ताफ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे पाकिस्तान से, पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ आरजू काजमी भी पाकिस्तान से जुड़ेंगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने रास्ता खोल दिया, आप दो पे उठिए। नहीं, आपने रास्ता खोल दिया, बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल, बहुत धार्मिक भावनाओं को आपने देखा, पर मैं एक पहले सुनिए ना, आसान में नहीं जाना चाहते। अरे मेरी मेरी बात तो सुनिए ना, बात सुने बगैर तो बात करने का फायदा नहीं। आप मुझे बताइए, कहां ब्लू स्टार ऑपरेशन, कहां पंजाब के वो हालात, क्या वक्त था? आप अगर वहां पे वो बताने की कोशिश करेंगे तो क्या आग नहीं लगेगी? क्या पंजाब का जो हमारा नौजवान यूथ है वो भड़केगा नहीं? क्या आपके चावला जो बगल में छुरा खोप के बैठा है, जो AK-47 लेके कहता है कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे, हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की? चलना है तो ईमानदारी से चलिए ना, कौन मना करता है? हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी आए, नहीं आप भी आए करतार, आपका आप भी आपका चावला के ऊपर, चावला के ऊपर क्या कहना है जो AK-47 लेकर के गोपाल चावला पर इनकी आदाश हो जाती है, गुम हो जाती है। ये कोई तरीका नहीं, एक तरफ खालिस्तान जिंदाबाद, दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी महाराज, हम सबके गुरु, उनके नाम के ऊपर राजनीति, दो बातें मत कीजिए, सिख नहीं, दो बातें मत कीजिए। देखो फैसला करना है, एक तरफ पन्नू यूके में बैठा हुआ, पन्नू 2020 के ऊपर बात करने वाला, उसको आप शरण देते हैं, आतंकवादियों को आप शरण देते हैं, ISI उसके पीछे है, पंजाब में खालिस्तान की मांग को उठाना चाहते हैं, तो ईमानदारी कहाँ है? हमारे लिए याद रखिएगा, हमारे लिए पहले देश है, हमारे लिए पहले राष्ट्र है। आप ये भाषा समझ नहीं आती, धर्म के अंदर आकर के हमारे धर्म को कमजोर करने की, हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश, आपका धर्म की कमजोर कर दिया। उमर अल्ताफ दे दिया जवाब, दे दिया जवाब, दे दिया। आप दाएं बाएं देखिए कि अगली लाइन क्या बोलनी है। एक सिख ने ही बैठकर जवाब दिया और मुंह पर जवाब दिया, हिंदुस्तानियों के लिए उनके देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। चीज बताइए, हमारे हिंदुस्तान का सिद्धू और आप राजनीति कर रहे हैं, आप उनको अपने कब्जे में लेके उत्साहित करके क्या करना चाहते हैं? सिद्धू हम हिंदुस्तान में हैं, मैडम हम कोई भी ऐसा काम करेंगे, कर्म करेंगे, पहले सरकार को पूछेंगे किस मुल्क के साथ हमारे अभी क्या संबंध चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर सिद्धू जाता है तो हिंदुस्तान के लोग उसको करारा जवाब दिया फिर देंगे। आप राजनीति मत करो, आप राजनीति, आप चावला, गोपाल चावला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ दिन पहले का वीडियो, AK-47 कहां से आया? क्या हम AK-47 पकड़ सकते हैं क्या? गुरुद्वारा साहब में क्या कहता है, हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, इसकी ऐसी की तैसी, ये खालिस्तान ना बनने दिया था ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, और अगर बना गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों के ऊपर पहले की तरह गुजर जाएगा। मैडम मेरी याद रखिए, अरे संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, अगर गुरु नानक देव जी महाराज के लिए आपने हमारे साथ समझौता किया है तो उसको राजनीति में मत लेके जाइए, उसको उसमें पॉलिटिक्स गंदी मत कीजिए, उसमें खालिस्तान की बात मत कीजिए, उसमें दोनों देशों के अच्छे संबंधों की बात कीजिए। गौरव जी मैं इनको बताता हूँ, गौरव जी मैं
गौरव जी मैं बताता हूं, हमने लड़ाई लड़ी पंजाब के अंदर, हमने लड़ाई हरमंदर साहब के सामने सामने जब बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ हो रहा था। मुझे एक चीज बताइए, को बोलने को हिम्मत नहीं आज किसी की हिंदुस्तान के अंदर। कौन था भिंडरांवाला मैडम? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, पंजाब को तबाह कर दिया, वो था भिंडरांवाला। किसी की हिम्मत नहीं है, ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, ना प्रकाश सिंह बादल की, ना बीजेपी की, ना किसी और की। लाइनें खड़ी करती, लाइनों में खड़े करके बेगुनाहों का कत्लेआम, उसकी फोटो लगाते हैं आप। मैं बोलता हूं भिंडरांवाला कौन था, करिए बहस, अकेले आइए, मैं बताता हूं कौन था भिंडरांवाला। ये करना चाहते हैं आप लगाइए उन लोगों की फोटो जिनको बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। आप संदेश दिए, गुरु नानक देव जी महाराज का संदेश क्या था? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के द बंदे, वो संदेश दीजिए। ये लड़ाने वाला काम मत कीजिए, अगर अच्छा काम किया है तो अच्छाई की तरफ चलिए। भिंडरांवाले की फोटो देके आप खालिस्तान का नारा देके क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भिंडरांवाले की फोटो लगा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए बताइए, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किसने किया बताइए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था? क्या किसी हिंदू ने किया था? क्या आप सिख ने किया था? हमारे हरमंदर साहब ने ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ आप लोगों की गलतियों के कारण। हमारे सिख समाज का पाकिस्तान आईएसआई ने नुकसान किया आपके कारण। आप फिर उस रास्ते पर चल पड़े, आपके अंदर क्या है? मुंह में राम राम, बगल में छुरी। उमर अल्ताफ, सिखों पर कमोडर साहब आपने अपनी फौज चढ़ा दी 1984 में सिखों पर, गोल्डन टेंपल में। अरे उसका जिम्मेदार कौन था? मी आपने रखी थी पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर AK-47 आपने भेजी थी, पंजाब में गोला बारूद आपने भेजा था, हरमंदर साहब में गोला बारूद पाकिस्तान से आया था, लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, आपकी भेजी हुई बंदूकें, आपके भेजे हुए हथियारों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। हम इसके गवाह हैं, हमने वो बंदूकें देखी, हमने वो बंदूकें देखी है जनाब। आप चाहते क्या? क्या चाहते आप बताइए? आप क्या डबल पोस्ट कहते हैं? आप चाहते क्या? इतने तो बता दीजिए, खंजर बीच में खंजर मत मारिए, क्या चाहते आप? हमने ईमानदारी से हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ सर्जिकल ऑपरेशन, एक तरफ गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने फैसला करने वाले नहीं पर उन्होंने बड़ा दिल रख के फैसला किया। बिल्कुल कुछ नहीं हो, मौत का कफन बांध के नरेंद्र मोदी ने फैसला किया, ये होगा। ये सिख समाज के लिए जैसे जनरल साहब ने बताया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज नमस्तक करता है महाराज हरमंदर साहब के अंदर, कौन नहीं आता? और आप बीच में लड़ाई खींच रहे नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज भिंडरांवाले का फोटो क्यों लगाया? मुझे बताइए क्यों लगाया आपने? आपने आग लगाने की कोशिश की या नहीं की? मेरा सवाल का जवाब है, आपने आग लगाने की कोशिश की या नहीं की? अगर ईमानदारी से धार्मिक यात्रा चल रही है आपकी तरफ से हमारी, तो आप खालिस्तान की बात क्यों करें? खालिस्तान बात तमीज से होगी, बात तमीज से होगी, उमर अल्ताफ बात तमीज से होगी, हमेशा इस बात का आप ख्याल रखें। पानी पिए, बहुत जज्बाती हुए हैं। कौन ठंडा हो रहा है, कौन गर्म हो रहा है? कम से कम आपकी तरह पंजाब बर्बाद किया अब हमारा, आपने हमारा पंजाब देश से बर्बाद किया, खून की नदियां बहाई आपने पंजाब के अंदर। हमें पता है कि भिखारी देश के प्रवक्ता हो, लेकिन तमीज बनाए रखिए तो बेहतर रहेगा। बम खाए हजारों लोगों ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, खालिस्तान बनने तो नहीं दिया, फिर क्यों उस्मान को दुराते हो? क्या आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे? ठीक है, यही से चर्चा के लिए चलेंगे सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ पर सिद्धू साहब सीधे पाकिस्तान के मेहमान बनकर जाएंगे और जत्थे के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे, इसको हम कैसे देखें बिट्टा साहब? यहीं से चर्चा आगे लिए। देखो मैं एक बात स्पष्ट करूं, हमें ये देखना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, कि हमारे भारत के, हमारे देश के दूसरे कंट्री के क्या संबंध है, ये देखना है। और हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से न्योता स्वीकार कर लें। मैं तो ये स्पष्ट कहूंगा, इसमें बहुत बड़ी साजिश है नवजोत सिद्धू की। जो नवजोत सिद्धू पाकिस्तान गए थे, आईएसआई के चीफ को, बाजवा को जफ्फी डाली, उसके बाद
कौन कौन से आईएसआई के अधिकारियों से इसकी गुप्त मीटिंग हुई जिसके ऊपर सरकार चुप बैठी है। मैं हैरान हूं सरकार नहीं, एक आदमी कोई अचानक जाता है उस हिंदुस्तान में, कोई आता है हमारा कोई भी व्यक्ति, उसकी यहाँ की सरकार यहाँ की जनसी पांच पांच दिन पूछताछ करती है। नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों नहीं पूछा कि किस किस व्यक्ति को मिले, क्या क्या तेरी चर्चा हुई, कमाल हो गई, ये क्या मुल्क की आजादी कहाँ चली गई। उसका देखिए ना कि इसकी क्या क्या किससे चर्चा हुई, क्या ये इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू की साजिश तो नहीं है कि पंजाब के अंदर दोबारा हालात खराब किए जाएं। बेटा साहब बोले फिर मैं आरजू और उल्ताफ जी के पास। मुझे एक चीज बताइए, आपको नवजोत सिंह सिद्धू को अकेले को न्योता देने की क्या जरूरत थी, इसका कोई ना कोई साजिश तो है। बिल्कुल, जनरल साहब ने अभी बताया इतना अच्छा मौका गुरु महाराज ने सबको अपने चरणों में बुलाया, पर आपने बीच में ये जो काम करके अगले अकेला जा तो ले जाइए नवजोत सिंह सिद्धू को, हम आपको देने के लिए तैयार बैठे, आप ले जाइए उनको। इमरान खान ने कहा था लाहौर में इलेक्शन लड़े, रावलपिंडी में इलेक्शन लड़े, ले जाइए नवजोत सिंह सिद्धू को, पर ऐसा काम मत करे कि कल को हम पाकिस्तान में आके साजिश करें, आपको कैसा लगेगा। हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता, याद रखिए जनाब, ये आज का भारत है, आज का भारत कल का भारत नहीं है। सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, 18 जवान शहीद किए थे, पाकिस्तान में घुस करके 40 मार के आए थे, 40 शहीद किए थे, पाकिस्तान में घुस करके 15 मिनट के अंदर 300 के ऊपर ठोक के आए थे। ये आज का हिंदुस्तान है और उसका प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी है। हिंदुस्तान का बीजेपी कांग्रेस सीपीएम सीपीआई नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना बड़ा दिल रखा, एक तरफ सर्जिकल ऑपरेशन और दूसरी तरफ यात्रा खोल दी, कितना बड़ा रखा हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर विश्वास कीजिए। क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ को मिलने गए थे या नहीं गए थे, हमने विरोध किया था, क्यों गए पाकिस्तान में, पर उन्होंने कहा हम शांति चाहते हैं, हमारी सरकार बनी है, हम महात्मा गांधी के असूलों पे पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं कि दोनों मुल्क एक करना चाहते। क्या किया आपने, आपने पठानकोट की घटना, आपने दीनानगर की घटना 15 दिन में कर डाली, उसके बाद क्या हुआ, एक गोली चली, आज 100 गोली चलती, पर हमने गोली पहले नहीं चलाई थी मैडम, हमने तो ये कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम महात्मा गांधी के असूलों पे शांति चाहते हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम वहां हो, बेगुनाह का हिंदुस्तान में हो, इंसानियत का कत्लेआम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, पर अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो एक चलेगी 100 चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आरजू काजमी सर देखें, आप लोगों से सबसे पहले तो यही कि सब लोग अगर आराम से बात करें और तमीज से बात करें, जो बदतमीजियां आपके पैनलिस्ट कर रहे हैं वो हमारे ये बदतमीजी है क्या, नहीं 36,000 बेगुनाहों का आपने खून कर दिया, खालिस्तान की मांग को फिर उठाया, चावला को AK-47 पकड़ाते, चावला को AK-47 पकड़ाते, ऐसे होता है क्या मैडम, ऐसे होता है क्या, ये बदतमीजी है, ये हमारे फौज के जनरल बैठे क्या ये ऐसा करते हैं क्या। आज आप मुझे ये बताए कि आपके आपके कैसे अल्फाज हैं, क्या आप एक पैनल के ऊपर बैठकर ऐसे अल्फाज यूज करेंगे अपने अपने देश के अंदर। आप दूसरे की बात तो सुनने दे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। मुझे तो लगता है इस सेगमेंट में हमारे पास 2-3 मिनट है, तो पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट हैं आरजू काजमी जी, उमर अल्ताफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया जी, इसकी बहुत बड़ी जांच की जरूरत है, नवजोत सिंह सिद्धू की जलंधर में किस मीडिया के साथ, किसी वो मीडिया के मालिक के साथ, तीन लोगों के साथ चर्चा हुई। बिल्कुल, ये एक मिनट, ये एजेंडा ले लोगे तो आने वाले वक्त के अंदर पंजाब में फ्यूचर आप होंगे। पहले भी आतंकवाद की जड़ इन्हीं चीजों के लिए थी, अब भी आतंकवाद आया तो जड़ इस चीज की होगी। जितनी नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, याद रखना ये आग लगी है और ये आगे भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सतर्क सरकार को रहना होगा और सतर्कता के अलावा कोई चारा नहीं है, और हर एक व्यक्ति को सतर्क होना होगा जो भी उस इलाके में है और यहाँ दिल्ली को भी।